तो फ्रेंड्स, सभी सरकारी नौकरी की परीक्षा रिजल्ट ज्वाइनिंग के इंतजार करने वाले ध्यान दें। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार SSC, NTPC, ग्रुप डी, BPSC, STET, रेलवे, दरोगा, पुलिस, बैंक इत्यादि का आप परीक्षा रिजल्ट या किसी का ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज पेपर में दिया गया है, वो क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा पेपर कटिंग जो कि यहाँ पे दिया गया है, कि यहाँ पे जूम करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग सहित कई आयोग ने दोबारा बढ़ाई परीक्षा की तिथि, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि बिहार के लाखों छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी जो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को उम्मीद थी कि नए साल में नौकरी मिलेगी, पर कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद इनकी उम्मीद पर पानी फिर गया है। अब कोई भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा 2 से 3 महीने बाद ही संभव प्रतीत होता है। बिहार से, यहाँ पे दिया गया कि बिहार से लेकर केंद्र की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में विलम्ब होगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण रिजल्ट के परिणाम आने में देरी हो सकती है। रेलवे की लोको पायलट का रिजल्ट कई, यहाँ पे दिया गया है कि लोको पायलट का रिजल्ट कई बोर्ड का आ चुका था, पर लॉकडाउन की वजह से किसी तरह की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। यानी कि ज्वाइनिंग होने वाला तो उन लोगों को भी इसमें फंस गया है, तो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। तो यहाँ पे दिया गया कि रेलवे की बड़ी परीक्षाएँ रुकी। केंद्रीय नौकरी की बात करें तो रेलवे की 2 बड़ी परीक्षाएँ नए साल में होनी थी। इसमें एक बड़ी परीक्षा स्नातक स्तरीय NTPC की थी, जिसमें से 34,000 से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा होनी थी। लॉकडाउन की वजह से परीक्षा कब होगी कोई सूचना नहीं है। इस परीक्षा को लेकर 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे। इनमें बिहार के 10 लाख, सिर्फ बिहार के 10 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। वही दूसरी बात करें, दूसरी बड़ी परीक्षा रेलवे की जो ग्रुप डी की है, इनमें 1 लाख से ज़्यादा सीट थे, जिसमें से आपको बता दें कि 1 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था। इसी परीक्षा में NTPC के बाद, इसकी परीक्षा NTPC के बाद होनी थी। वही यहाँ पे दिया गया है कि RBI और कुछ अन्य बैंकों ने भी रिक्तियाँ निकाली थी, इनकी परीक्षा भी नहीं हो सकी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जा रही थी, इसमें फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि Tier 1 और Tier 2 की परीक्षा ऑनलाइन हो रही थी। अब बात करते हैं बिहार SSC के बारे में, यहाँ पे क्या दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा बढ़ी। यहाँ पे दिया गया है COVID-19 की वजह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा भी विलम्ब से होगी। अभी इसमें PT की यहाँ पे दिया गया है, PT में चयनित छात्रों ने आवेदन किया था, इनकी संख्या भी 50,000 से ज़्यादा है। राज्य के विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति होने की उम्मीद थी, यह भी लॉकडाउन की वजह से अटक गया। अब बात करते हैं BPSC। तो यहाँ पे दिया गया है कि BPSC भी लेगा कई परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग ने भी कई परीक्षा टाल दी है। यहाँ पे दिया गया कि 3 यहाँ पे बिहार न्यायिक सेवा में 221 पदों के लिए परीक्षा होनी थी, इसे टाल दिया गया। वही 65वीं की प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, इसका रिजल्ट भी आ गया है, आगे की परीक्षा टाल दी गई है। इसके माध्यम से 422 की नियुक्ति होनी है। वही दूसरी बात करें तो 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना था, अब 1.5 माह से अधिक बढ़ा दिया गया है। और इस परीक्षा के बाद आयोग 256 इंजीनियर की परीक्षा होगी और सहायक अभियंता का रिजल्ट दिया गया है, और अभी एक इंजीनियर का रिजल्ट कोर्ट की वजह से फंसा है। अब बात करते हैं दरोगा और सिपाही भर्ती की परीक्षा के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि राज्य में 2 बड़ी परीक्षाओं में एक बड़ी परीक्षा दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, इसका रिजल्ट आ गया है। इसके तहत 2,446 पद की नियुक्ति होनी है। मुख्य परीक्षा और परीक्षा, शारीरिक परीक्षा होगी, और
यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य परीक्षा जून में निर्धारित है, साल के अंत तक या इससे पहले ही इसकी नियुक्ति हो जाने की संभावना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि लॉकडाउन का असर, कई बड़ी परीक्षा के लॉकडाउन में फंसी बिहार से लेकर सेंट्रल की परीक्षा रुकी। अब कोई भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा 2 से 3 महीने के बाद ही संभव प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ की STET के बारे में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि STET जनवरी में होगी। राज्य के बड़ी प्रतियोगिता में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई। इसके माध्यम से 35,000 शिक्षक का नियोजन विद्यालय में होना है। इसके लिए लगभग 2.5 लाख ट्रेंड शिक्षक ने आवेदन किया। अभी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है कि रेलवे बड़ी BPSC BSSC समेत कई परीक्षा अटकी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के अभ्यर्थी परेशान। और यहाँ पे दिया गया कि रेलवे की बड़ी परीक्षा RRB NTPC और RRB Group D रिक्वायरमेंट एग्जाम रुकी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो कि, तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि जितने भी मैं आपको बताया हूँ, BSSC NTPC Group D STET रेलवे दरोगा पुलिस बैंक और उसके बाद जो हो गया BPSC का, ये सारे बात मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और वीडियो तक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मैं बिहार से रिलेटेड न्यूज़ लेकर, शिक्षा से जुड़े न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।